कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे Hare वृंदावन सोवन नंदगांव सोगा वृंदावन सोवन नहीं नंदगांव सोगा बंसी बट सोवन नहीं श्री कृष्ण सोना जन्म धर्म है वृंदावन वास धरो श्री वृंदावन पास बहे जमुना पटरानी जो जगन्नाथ के ज्ञान धरे वैकुंठ मिले तिनको हरे राम हरे रामा ओ रामा राम हरे 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 कृष्णा ओ कृष्णा कृष्णा हरे हरे अच्युतम केशवम अच्युतम केशवम रामनारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्री भजे जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे हरे Krishna, oh Krishna, Krishna Hare Hare. प्राण जाएंगे छोड़। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे दुरितानि परा शुभ यद भद्रम तन्ना शुभवो शांति शांति शांति। ओम मधुरा मंगला मोक्ष प्रदा माँ गंगा के तीरे कल्याणी दक्ष नगरी में भगवान मृत्युंजय महादेव, भगवान पारदेश्वर महादेव और यह लोक परलोक की अनुकूलताओं के प्रदाता रुद्राक्ष वृक्ष की सन्निधि में भगवान दत्तात्रेय की अनुग्रह स्थली और अनेक सन्यासियों की तीर्थस्थली हरिहराश्रम के सारस्वत परिसर में जहां समाधि बिखरी हुई है, ऐसे इस दिव्य परिसर में आप सबके साथ बैठकर आनंदित हूं। आपकी मुमुक्षा और वो संस्कार जिनके कारण आप जिज्ञासु बने हैं उन सभी सद प्रवृत्तियों के प्रति और आपकी आध्यात्मिकता के प्रति बहुत आदर के साथ प्रणाम करते हुए। कभी ऐसा अनुभव होता है हम सबको कि कोई एक हमारा अस्तित्व है, कोई अपनी एक निजता है, और बहुत भिन्नताओं में हम कहीं अलग हैं। तो ऐसा एक अनुभव हो सकता है कि यहाँ नानात्व है, विभिन्नता है, वैभिन्नता है, बहुरूपता है, और उसमें अनेक प्राणी, पादप, वनस्पतियां, विभिन्न जीव समूह, और शास्त्रों के अनुसार कितने ही लाख प्रकार के मनुष्य हैं। जो 84 कोटि योनियां कहीं गई, 84 लाख योनियां, उनमें कई लाख प्रकार के तो मनुष्य हैं। तो जो लक्षाधिक प्रकार हैं मनुष्यों के, उनमें कभी अपने को ऐसा लगता है कि हम कितने अलग हैं सबसे। तो एक अनुभव ये कभी कभी होता है कि हम अलग हैं, एक अस्तित्व तो अपना अलग है, वहां कोई एक निजता है अपनी, कोई अपनी एक व्यक्तिकता, पर एक जो विराट अस्तित्व है, उस तक जब साधन पहुंचता है, तब कोई व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, दृश्य ऐसा नहीं है जो अपने से भिन्न है। तो एक अस्तित्व अनुभूत होता रहे आपको कि मैं अलग हूं, और वो भौतिकीय धरातल पर तो भिन्नता है ही, वहां तो आप बिल्कुल अकेले हैं। उसमें फिर कहीं आपके वंश, कुल, गोत्र, जाति, एक परिवार के गुणसूत्र भी अलग दिखाई देते हैं, जो दूसरों से नहीं मिलते। जो गुणसूत्र है, जिसे डीएनए कहते हैं, वो गुणसूत्र आपका बिल्कुल अलग है। आपकी त्वचा लार से, श्वेद कण से, श्वेद माने पसीना, तो पसीने की एक बूंद पर्याप्त है जो बता सकती है कि आप बिल्कुल भिन्न हैं, अलग है। ये पसीना इस प्राणी का है। तो गुणसूत्र कुछ ऐसे हैं जो आपको अलग करते हैं। पसीना, धातुएं, रस, रसायन, आपकी लार, रक्त कण आपके, वो बताता है कि ये आप अलग है, ये आपका ही है। पर आपकी भौतिकीय, आपका काय कलेवर बता पाता है। एक अलग 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 प्रकार की प्रवृत्तियां हो सकता है, कोई एक प्रकार की मानसिकता का भी वर्गीकरण कर देती हूं, एक प्रकार के ही विचार और ऐसी विचार तरंगे हैं, इस प्रकार की प्रवृत्तियां इन प्राणियों में पाई जाती हैं। जैसा कि अभी ऐसे प्रयोग हो भी रहे हैं कि विशेष प्रकार के प्राणी एक विशेष प्रकार के समय में कौन से संदेशों का आदान प्रदान करते हैं, और प्राय ये ऐसे एक यूं ही अप्रत्याशित एक समूह का चयन करके और उनका एक अलग वर्गीकरण करके ये तय कर लिया जाए, उसे कहेंगे आंग्ल भाषा में रैंडम एक यूं ही एक चुन लिए जाए कुछ प्राणी कि ये एक विशेष समय में एक विशेष प्रकार के संदेश पर इनकी प्रतिक्रिया क्या है, इनकी क्या सोच बनती है, एक विशेष प्रकार के समाचार पर ऐसा समाचार देकर इनकी प्रतिक्रिया क्या बनती है, फिर ये क्या लिखते हैं, इनके संवाद क्या होते हैं। और एक विशेष प्रकार का दृश्य समाचार और एक विशेष प्रकार की कोई घटना पर एक ये विशेष प्रकार का जो समूह है, इसमें कौन सी प्रतिक्रिया होती है, वो सोशल साइट्स क्या लिखती हैं, क्या ट्वीट होता है, क्या पोस्ट होता है। एक विशेष प्रकार का समाचार, एक विशेष प्रकार की घटना पर एक विशेष प्रकार का समूह क्या ट्वीट करता है। ट्वीट करता है कि वो एक विशेष प्रकार के साधन पर क्या लिखता है, क्या पोस्ट करता है। हो सकता है कि ये एक और तय कर देता हो कि आपका रुझान ये है। कुछ हो सकता है कि कुछ सीमा तक आपकी इस प्रकार से वैचारिकता, बौद्धिकता, आपकी संवेदनाएं, हो सकता है कि आने वाले और अत्यंत संवेदनशील यंत्र कुछ ऐसी अभियांत्रिकी कि आपके मानस तरंगों को पढ़कर वो ये भी तय कर सके कि आपके पूरे अंतःकरण में किस प्रकार की एक क्रिया, चेष्टा, प्रतिक्रिया, भाव आदान प्रदान, संवेदनाएं, जैव जगत के लिए आपका रुझान, आप पर पदार्थों का प्रभाव किस प्रकार का है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो आत्मधरातल है, जो एक आपकी मूल सत्ता है, वहां सब प्राणी एक है, वह सभी प्राणी फिर एक है, सब पर एक जैसा प्रभाव है। वो एक को एग्जिस्टेंस, वो फिर एक कोई सह अस्तित्व, मेरा अस्तित्व, आपका अस्तित्व, वो चींटी का, कीड़ी का, कुंजर का, वो नन्हे से धूल के कण का और पर्वत शिखर का, वो छोटी छोटी नन्ही नन्ही दूब का और विशाल वट विटप का, सबका गुणसूत्र के आधार पर हम अलग हो सकते हैं। कोई बाहर की प्रकृति एक भेद कर सकती है, लेकिन जो आत्मधरातल है, आत्म की दृष्टि से हम एक हैं। और एक नया शब्द देता हूं चिंतन के लिए, आत्माएं शब्द नहीं होता, आत्मा होता है। आत्मा एक है, वो 2, 3, 4, 5 नहीं होते। एक कोई अस्तित्व है और उसके साथ हम हैं। कहने के लिए हम जीवात्मा कह सकते हैं, वो समझने के लिए एक धरातल पर निर्विकल्प अवस्था में पहुंचकर, जो निर्विकल्प समाधि है, वहां जाकर आप एक अस्तित्व के साथ जुड़ते हैं और जो कुछ दृश्यमान है, विद्यमान है, भासित है, कल्पित है, अनुभूत होता है, उस सब में आप अपने को देख सकते हैं। उससे कहीं पृथक आप नहीं, उससे कहीं भिन्न आप नहीं, कहीं भी नहीं। वो इस धरातल या इस ब्रह्मांड की बात नहीं, दूर गैलेक्सी में जो कुछ दूर दूर तक, निहारिकाओं में जहां और नक्षत्रों के पार, शिशुमारों के परे, और जहां जितने कल्पना की जा सकती है जैव जगत की और जीव समूह की, प्राणियों की, ग्रहों की, वहां तक आप कनेक्टेड हैं, वहां तक, इस एक ब्रह्मांड से नहीं, कोटि कोटि ब्रह्मांडों से, कोटि कोटि ब्रह्मांड जितने हो सकते हैं, ईश्वर से संबंधित जो कुछ है वो एक ब्रह्मांड, फिर अनेक ब्रह्मांड, फिर वो एक जीव, फिर वो अनेक जीव, वो जितने भी हैं उन सब से आपका कहीं न कहीं अज्ञात, अनाम, अरूप, अदृश्य संबंध है। अरूप हो सकता है, वो नहीं दिख रहा है, विजुअलाइज नहीं हो रहा है, वो अज्ञात नहीं समझ आ रहा है, लेकिन हैं, आप रिलेटेड हैं, आप कनेक्टेड हैं, आप जुड़े हुए हैं पूरे पूरे इसे पूरे इस यूनिवर्स में। आप जब और जो सोचते हैं उसको, उसका पूरा प्रभाव पूरे यूनिवर्स पर होता है, आपके पूरे, आपके सोचने भर से। पिछले और 100 सालों का इतिहास, 50 साल का, 60, 70, 100, 200 सालों का इतिहास उठाकर देखें, जो क्रांतियां हुई हैं, वैचारिक क्रांतियां हुई हैं, कई बार तो कुछ घोष और कुछ नारे या कि कुछ ध्येय वाक्य या कि कुछ 2-4 पंक्तियां और उस पर पूरी मानसिकता बनाई गई है। एक विषय पर आते हैं कि हम भिन्न नहीं है, किसी से भी अलग नहीं है। देखने में पृथकता दिखती है, देखने में भिन्नता दिखती है, कोई एक निजता है अलग, कोई डीएनए गुणसूत्र है अलग, वो रक्त कणिकाएं, धातु, रसायन, लार, थूक, वीर्य और जो भी हमारी चीजें हैं, हो सकता है कि वो अलग वर्गीकरण करते हुए और कुछ मानसिकता भी ये एक वर्गीकरण कर दे कि एक प्रकार के ये प्राणी हैं, पर आत्मा की दृष्टि से हम सब एक हैं। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, इसलिए वो फिर पूरा यूनिवर्स फील करता है अपने को, पूरा जो कुछ है ये अपने को समग्र रूप में, विराट रूप में अनुभव करता है। बड़ी सुंदर सी कथा है, कोई बलि हो गया और उद्यम के द्वारा, यज्ञ के द्वारा कोई बलि हो गया, उसने पूरे अधिकार अर्जित कर लिए, इस धरा के समूचे अधिकार उसे प्राप्त हो गए और वह वो सारे अधिकार प्राप्त करने के लिए समर्थ बन गया कि वो पवन हो, प्रकाश हो, आकाश हो, प्राण हो, जीवन हो, स्वर्ग से आने वाली और अनेक प्रकार की विभूतियां अथवा ऊर्जा हो, उस पर उसका आधिपत्य हो सके। कुछ देर के बाद इतना कोई सामर्थ्यवान प्राणी हो गया बलि, और फिर उसकी मंडली, पलोमा, वृषपर्वा, नमूच आदि, फिर उसके पूरे परिजन, और फिर यह तैयारी है कि कुछ देर के बाद तो जैव सत्ता पर, प्राणों पर, पवन, प्रकाश, आकाश पर, ग्रह, नक्षत्रों पर, काल, कर्म, गति पर, पूरी मानवी मति पर, और हमारा ही तो अधिकार होगा, हम तो स्वर्ग के अधिकारी बन जाएंगे, कुछ देर के बाद तो हम फिर स्वर्ग के अधिकारी होंगे, एक पूर्णाहुति तो डालनी है बस, हमारे तो सारे उद्यम फलीभूत हो गए, हमारा श्रम साकार हो गया, हमारे प्रयत्न या अथवा हमारा पुरुषार्थ अब वो सिद्धि और फल देने के लिए तैयार है और उसे को रोक नहीं सकता। वो श्रम किया गया उस प्रकार की योग युक्तियां कि वो पूरी धरती के नहीं, ब्रह्मांड के अधिकार प्राप्त हो सके, हमारा पवन पर, प्रकाश पर, आकाश पर, प्राण पर, जीवन पर अधिकार हो, यम, वरुण, कुबेर, हम हमारे द्वारा संचालित हों, ये दिक्पाल, ये वार, नक्षत्र, योग, करण, इस पर हमारा अधिकार हो, हम काल का नियमन कर सकें अपने अनुकूल, काल की गति। कल्पना कर सकते हैं कोई इस तरह से बलि हो गया हो कि वो कहता है कि काल की गति का नियमन मैं करूंगा और काल का नियमन तो सूर्य चंद्रमा से होता है, दिन रात से होता है, नक्षत्र और वार तिथि योग करण आदि, इनका मैं अधिकारी बन सकूं वो भले। उसके द्वार पर उस सत्ता का आगमन जो सब में व्यवहार कर रही है, सब में जो विहार कर रही है, व्यवहार कर रही है, जो प्राण रूप में है, रक्त के रूप में है। तद्धाम परमम मम, उस धाम से लेके नीचे उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानाम वा गुणान्वितम, वो हर चीज में, पचने में, पचाने में, गुण में, भोग में, भाग्य में, आहुति में, सब में जो है कि वो पचने वाली वस्तु, पचाने वाली वस्तु, आहुति, ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम, वो सब वही एक चीज जो हर स्थिति में है, भोक्ता में भी, भोक्त वस्तु में भी, जो भोगी जाएगी, फिर पचकर यानी उसका फिर जो रस बनेगा, फिर उसके जो परिणाम आएंगे, सब में कोई एक तत्व जो समान रूप से है, जिसके लिए शिव ने कहा कि वो व्यापक है। जिसे ढूंढने निकले हो, इसे थकान हो गई है, आराम करो, वो व्यापक है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, बड़े व्यापक तत्व कहां ढूंढने निकल रहे हैं आप? उसे किससे मिलने जा रहे हैं आप? जी हमको तो विष्णु से मिलना है और निशाचरों का राज्य है, अब कोई समय ठीक नहीं आने वाला है, अब वो अवतार हैं, अब उनको आना चाहिए धरती पर। ढूंढने निकले हमको सारे देवता और पृथ्वी से कहा आप धेनु बन जाइए, क्योंकि धेनु की करुण पुकार उनके कानों तक पहुंचती है और तब वो सुनते भी हैं। ऐसा ही पुराणों में चर्चा है कि वो किसी की सुनते नहीं है, हाँ धेनु की करुण पुकार उनकी गहरी निद्रा तोड़ देती है, उनकी समाधि टूट जाती है। वो धेनु की गौ की पुकार, करुण क्रंदन वो सुन नहीं सकते, गाय का क्रंदन, उसका चीत्कार, उसकी पुकार, अगर वो चीख पड़े गाय तो नहीं, वो सुन फिर नहीं रह पाएगा। देवताओं को लगा कि आपको खड़ा कर देते हैं, गाय आगे आगे चल रही है, तो पृथ्वी गाय बनकर, पृथ्वी ने कहा कि भार तो मुझ पर है और वो भार उतारने आता है, और कोई कारण नहीं उसका। धरती पर उसका आने का एक ही कारण है, भवो भारावताराय, जब मैं भार अनुभव करती हूं और नहीं सहन कर पाती, क्योंकि धरती का एक गुण सहन करने का भी है। धरती देखो कितना धैर्यवान है, धरती जैसा धैर्य किसी के पास नहीं। जो धरती के पास धैर्य किसके पास होगा? किसी के पास नहीं इतना धैर्य। तो धरती को कहा कि तेरी अधीरता, और वो भी गौ का स्वर निकालेगी, तो गौ बनकर धरा आगे आगे पीछे पीछे सारे देवता और उनमें सनकादिक, नारद आदि, और साथ में देखिए ब्रह्मा आदि सब ढूंढने जा रहे हैं उन्हें कि वो आए धरती पर। तो भगवान ने कहा कि रिलैक्स, थोड़ा आराम करें, वो मैं बताता हूं कहाँ मिलेंगे। अब ढूंढने निकल रहे हैं उनको, हमको तो ढूंढने निकलना है, भगवान को ढूंढने निकल रहे हैं। तो उन्होंने कहा वो व्यापक है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो समान रूप से सब में ही व्यापक है। कोई एक योग युक्ति, कोई एक चीज है जिससे प्रकट हो सकता है। प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना, प्रेम से जरा बैठो आराम से, को प्रेम पैदा करो। किस में प्रेम पैदा करें? आपस में, वस्तुओं से, पदार्थों से, फूलों से, घास से। अरे प्रेम तो करो, इससे प्रेम करके देखो एक बार, इसे जुड़कर देखो। घास से जुड़ो, भोर में मैं सुबह घास से जुड़ता हूं। ये धन्य है मेरी पार्षद मंडली, धन्य है ये लोग जो मेरी विधि और मेरे विधान की संपन्नता में सहायक बनती है। मेरी पार्षद मंडली धन्य है जो मेरी पूजा की पूर्णता में वो एक सहायक बनते। भोर में दूरवा से तो जुड़ो एक बार, नन्ही नन्ही दूरवा से, क्या बात कही। एक बार दूरवा का चयन तो करो, मीठे से ढंग से दूरवा तो जरा चयन करो। बिलपत्र का, धतूर का, विजया का, जो है ये निंदनीय विषाक्त वनस्पतियां हैं, जो तमोगुणी वनस्पतियां हैं, जो मारक हैं, दाहक हैं स्वभावतः, जिनमें जीवन नाश विष है, उसका चयन तो करो आदर पूर्वक। उस धतूर का, विजया का, उस शमी का एक बार थोड़ा प्यार से, थोड़ी घास तो चुनकर देखो। अब घर के नौकर चाकर रामू श्यामू बहादुर ले आते हैं, आपको तो पता भी नहीं लगता कि घास आई कहां से, दूब आई कहां से, खुद लाइए। और जो उपासना करता था विभीषण वो स्वयं लाता था। उपासना सिखाई विभीषण ने सुग्रीव को, सुग्रीव खुद चयन करता था। कितने लोग मैंने से देखे कि वो कोई आपातकाल है, शरीर अनुकूल नहीं है, बात अलग है, लेकिन भोर में आप उठें और ये चयन करें स्वयं दूर्वा का, फल फूल का, गंध और इन सब चीजों का चयन करें आप स्वयं आदर पूर्वक। प्रेम तो करो, वो सब में है, वो सब में है। एक बार देखो उसे, निकट से देखो उसे। एक शब्द उपासना, अरे निकट तो देखो उसे, नजदीक झांक कर देखो उसे। उपासना करते नजदीक आइए, जरा और निकट आ जाओ, और निकट आ जाओ। किसके निकट आ जाएं? अपने त्वचा के नहीं, अपने निकट, अपने देह के नहीं। आप कहेंगे और कितना निकट आए, अरे अपनी आंखों में आओ, जिससे देख रहे हो, तो क्या कॉर्निया में आए? ना ना ना, देखने वाले के पास आओ कि कौन देख रहा है। देखो देखने वाले को, जानो जानने वाले को। जरा एक तो अनुभव करो कि अनुभव कौन कर रहा है। जानने वाले को जानो, देखने वाले को देखो। आप कह रहे हैं कि हमारा आप नजदीक आने की बात कर रहे हैं, तो क्या कॉर्निया में आकर बैठ जाए? ना भैया, थ्रू कॉर्निया कौन देख रहा है, उसके द्वारा कौन देख रहा है, कौन देख रहा है मन के द्वारा। विमूढ़ा नानु पश्यन्ति, पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। उन ज्ञान चक्षु में भी कौन बैठा है, कौन है जो उन ज्ञान चक्षुओं में बैठकर देख रहा है। निकट आइए और निकट आइए। उनको भेज दिया कि जरा आप जाना, ये तो बलि हो गया है और एक आहुति के बाद तो इसकी सारी परलोक की सत्ता उसके हाथ होगी। पवन उसके अधिकार में होंगे, प्राण, आकाश, प्रकाश, पूरे ब्रह्मांड की सत्ता, जैव जगत का वो संचालन करने वाला होगा। स्वर्ग का अगर वो अधिकारी बन गया, अरे स्वर्ग की सत्ता जिनके पास चली गई, तो वो तो कैसे हैं कि गंध में ही प्रसन्न होंगे, अन्न की गंध से ही। तनिक से धूप दीप चावल, केवल भावना, चूंकि वो अशरीरी है, उन्हें तो भावना प्रिय है। ध्यान रखना, देवताओं में हम में एक ही अंतर है, देवताओं के पास देह नहीं, हमारे पास देह है। उस दृष्टि से तो हम बड़े भाग्यवान हैं कि हमारे पास देह उपकरण तो है, देवताओं के पास ये नहीं है। देवता अशरीरी हैं, पर हां वो गंध आपके अनुभव कर लेते हैं, वो आपकी भावना। देवता भावनाओं में बसता है, देवता संकल्प में रहता है। बहुत सूक्ष्म तत्व है देव तत्व, उस पर ही अधिकार होने वाला है इसका। तो भगवान द्वार पर गए और कल्पना तो करके देखो कि एक पग में समूचा ये भौतिकीय विस्तार और दूसरे पग में परलोक का विस्तार। दूसरे पग में उनके लिए कोई चमत्कार नहीं था, दूसरों के लिए चमत्कार था। उसने मान लिया। वो ये कह नहीं सका कि जिस साइज के आपके पैर थे उस साइज से माप के देख लो इसे। भाई जिस तरह से आप खड़े हैं, जिस तरीके के, जिस आकार में मैंने जिसको संकल्प दिया था कि एक पैर में नाप ले, भाई 2-3 पैर नाप ले धरती, तो वो कहते हैं मुझे मापना है जो मैं हूं मूलतः, मुझे 3 पग धरती चाहिए, मुझे मेरे लिए संकल्प कर जो मैं हूं। बड़ा वाक चातुरता है, उन जैसा कोई है नहीं, बल्कि वाकया उन जैसा कोई चतुर नहीं है। गोपियां कहती हैं आप चतुराई में आपसे हम नीचे हैं, आप जैसा कोई चतुर नहीं, बल्कि वाकया। मीठी मीठी बात करते हैं ना, उन जैसा कोई नहीं है। मधुरे आ गिरा, मीठी बात करेंगे, चतुराई में बोलेंगे, क्या बोल रहे हैं किसी को नहीं पता लगेगा। संकल्प कुछ और करा लिया, हैं कुछ और 3 पग का संकल्प करा लिया। मापने लगे तो एक में तो पूरी धरती माप ली और दूसरे में स्वर्ग का सुख और वो सारी चीजें उनके अधीन हो गई और उसने स्वीकार भी कर लिया। बलि ने कहा ठीक है, आप सब में ही तो रमे हुए हैं, इसलिए कुछ आपसे भिन्न है भी नहीं। और कुछ बचा नहीं तीसरे पग के लिए, कुछ नहीं बचा, एक चीज बची बस, वो प्रॉब्लम है। वो जो तीसरी चीज है वो दैट इज द ओनली प्रॉब्लम, बस वही एक समस्या है और कोई समस्या नहीं। उसमें क्या चीज छुपी? उसमें हिंसा छुपी है, उसमें ही हिंसा है, उसमें रक्तपात है, उसमें द्वेष है, उसमें ही सब कुछ छुपा है। वो जो तीसरी चीज है, अरे वो तो बड़ी भयानक है। भगवान ने कहा भाई मैंने एक पैर में समूचा ये भौतिकीय विस्तार माप लिया, दूसरे पैर में स्वर्ग का अधिकार मेरा हो गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं तेरे पास देने को, अब तू देगा क्या, क्या देगा, अब मेरा तू अपराधी है। जय विजय से कहा बांध लो इसको, और पुराणों में चर्चा ऐसी है भी कि उसे बांध लिया गया। और अब बता तीसरा पैर कहां रखें हम, तो उसने ऐसा भी कहते हैं कि प्रहलाद जी को बहुत कष्ट हुआ, प्रहलाद को तो बहुत कष्ट हुआ कि मेरे पौत्र को बांध रहे हैं आप, मेरा पौत्र जिसने सब कुछ दिया आपको, और देखिए ठीक नहीं कर रहे हैं आप उसको बंधन में। भगवान ने कहा प्रहलाद आप हमारे बीच में नहीं आना, ये मेरा अपराध है। इसको तीसरी, मेरे तीसरा और एक पग मुझे मापना है, वो तीसरा और पग मैं कहां रखूं। वो ध्यान रखो, एक तीसरी जो चीज है वो प्रॉब्लम है, वही समस्या जो दी उसने। पता क्या दिया उसने, उसने कहा तीसरा पग रखने के लिए किस स्थान में देता हूं आपको, वो है अभिमान, वो ईगो, वो ईगो है, मेरा ईगो ले लीजिए आप, वो मेरा अहंकार है, वो ले लो आप, तीसरा मैं देता हूं आपको, वो भी मैंने रखा हुआ है, सुरक्षित है मेरे पास, वो कहां दिया मैंने आपको। अभिमान, वो मेरा देह अध्यास, प्राणाध्यास, सत्कर्मों के द्वारा मेरी फैली कीर्ति चर्चा, मैं हूं, मैंने दान दिया, मैंने कितना बड़ा यज्ञ किया, मैं इन सत्कर्मों के द्वारा, इन सब के द्वारा मैं धरती पर बलि हो गया, स्वर्ग का अधिकारी बन गया। और वो तीसरा जो है, जो अभिमान कितना बड़ा है कि मेरे द्वार पर विष्णु भिक्षुक बनकर आ गया, मेरे द्वार पर भगवान को भिखारी बनकर आना पड़ा, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, तो रीति झोली लेकर मेरे द्वार नारायण का आगमन, इससे बड़ा और अहंकार क्या हो सकता है कि मेरे द्वार पर रीति झोली लेकर नारायण का आगमन हो, इससे बड़ा अभिमान तो हो ही नहीं सकता कोई, ऐसा तो किसी क्या नहीं हुआ है। तो मैं एक इस दृष्टि से तो अनोखा हुई आपके जीव समूह में, आपकी इस दुनिया में मुझसे बड़ा कोई होगा कि रीते हाथ आप मेरे आए, तो कितना बड़ा अभिमान है। ये जो ईगो है मेरा, ये जो अभिमान है मेरा, ये आप ले लीजिए। और एक दिन कथा में ये बात कहीं से निकल कर आई, ये ध्यान रहे, जब मैं कथा में होता हूं तो थॉट आते हैं गिरिकंदराओं से, हेमोपत्तिकाओं से, ऋषि मुनियों के यहां से, पूरे ब्रह्मांड में जो दिव्य और अनुपम उदात्त जो विचार तरंगे बह रही होती हैं, उनसे कभी कनेक्शन हो जाता है मेरा, और वो थॉट बहुत तेजी से झटपट मुझ में उतरने लगते हैं वो विचार, और फिर वो कथा में सरकने लगते हैं। तो एक विचार एक दिन आया था कि भगवान का सर्वोत्तम आहार और कुछ नहीं, अभिमान ही उनका सर्वोत्तम आहार है। ये तो हम ऐसे अपने मन के लिए लड्डू रखते हैं, तो लड्डू गोपाल कि जी हम पूरी चढ़ा रहे हैं, खीर हलवा है, या नाना प्रकार के पकवान व्यंजन रख रहे हैं, अलग 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 वस्तुओं उनको समर्पित कर रहे हैं, अलंकार प्रिय विष्णु उन्हें अलंकार दे रहे हैं, और चीजें रख रहे हैं। उसका तो सब सर्वोत्तम आहार क्या है, अहंकार भक्त का। इसे जब नारद जी में जरा सा अभिमान देखा कि वो ये कहते हैं कि मैंने काम जीत लिया है, तो फिर वो अहंकार कहाँ रहने दिया भगवान ने, नारद के भीतर। नारद वो अभिमान तो नहीं रहने दिया भगवान ने, व्याकुल हो गए भगवान कि मेरे भक्त के भीतर अहंकार कैसे रह सकता है, अहंकार तो इसकी सारी आध्यात्मिक संभावनाओं को चूर चूर कर देगा, इसके विकास में बाधक बन जाएगा, ये अभिमान तो इसका पतन का कारण है, और मेरे भक्त का पतन हो, ये नहीं होना हो सकता। और कोई माँ अपने बच्चे का पतन देख सकती है, कभी नहीं। वो तो माता भी तो है, वो पिता भी तो है, वो जैसा गुरु कौन होगा, वो गुरु है, वो पिता है, वो माता है, वही तो हितैषी है, और कोई हितैषी हमारा नहीं है। और वो दूर भी कहां है हमसे, वो हम में ही तो है, अंतर्यामी है। जब वो अंतर्यामी है तो हमारे भीतर ही तो है अंतर्यामी, अंतर्याम अंतर में रहने वाला, अंतर्यामी कर छुप के रहने वाला नहीं। इसके गलत सेंस लगाते हैं कुछ लोग, अंतर्यामी है जी वो, तो अंतर्यामी माने छुपी हुई चीज, नो प्रकट चीज, अंतर्यामी माने आप में रहने वाला। अंतर्यामी का अर्थ कुछ क्या है कि भगवान तो अंतर्यामी हो गए, अंतर ध्यान हो गए ना, अंतर ध्यान नहीं, आप में प्रकट हो गए, वो आप में ही हैं। तो बड़े आनंद की बात कि उन्होंने नहीं रहने दिया अभिमान नारद का, किसी का नहीं रहने दिया, वो कभी किसी का अभिमान नहीं रहने देंगे। अहंकार उनको प्रिय नहीं, बड़ा वो है वो नहीं चाहता को दूसरा बड़ा बने, उस तरह से बड़े बन भी नहीं पाएंगे आप। एक ढंग है उस तक पहुंचने का, अपने को स्वयं घोषित कर दें आप, वो उसे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए भगवान ने वो तीसरा पग उसके अभिमान पे रख दिया, मस्तक पे रख दिया। बड़ी चीज है हमारा माथा झुक जाए, इससे बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती। हमारा शीश झुक जाए, हमारा माथा झुक सके, बहुत वो पुराना पंक्तियां ना भजन की जो हरिओम शरण ने गाई हैं कि ये गर्व भरा मस्तक मेरा, तो ये जो गर्व से भरा हुआ मस्तक है, ये जो अभिमान, तो भगवान ने उसके मस्तक पर पैर रखा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वो कथा ऐसे कहती कि चला गया धरती के नीचे रसातल में, और वो बलि अब आठवां मनु बनकर आएगा। अभी वैवस्वत मनु चल रहा है, सातवां मनवंतर है, और चौथे अभी तो आधा ही चला है, कल्प आधा ही बीता है, फिर वो आठवां मनु बनकर आएंगे बलि। अभिमान वो सब में व्यापक है, भिन्न नहीं है, वो कहीं भी वो अलग नहीं है, हम उससे अलग नहीं है, हम उससे कहीं अलग नहीं है। तो कौन सी एक युक्ति है कि हम उससे धीरे से जुड़ सकें? तो मैंने कल बात आरंभ की थी कि जप एक युक्ति है, जपात सिद्धि, जप एक युक्ति है, और वो बड़ी लंबी श्रृंखला है जिन्होंने जप करके उस वो उपलब्ध हुए हैं। वो वाल्मीकि हों, ध्रुव हो, प्रहलाद हो, ऐसे कहा रामायण में तो चौपाई भी आती है कि वो किस तरह से धीरे 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 आपकी मानस विकृतियां और बाहर जो प्रतिकूलताएं जो बाहर सही नहीं है उसे ठीक करता रहता है। मैटत कठिन क्वंक भाल के, कुछ कहते हैं भाग्य ठीक नहीं हमारा, हमारा तो देखिए साहब, हमारे तो माथे में ऐसा लिखा है, हमारे तो कपाल पे ऐसा छपा है, तो वो जो कुछ ऐसा भी है, वो जो कुअंक हैं, जो बेकार छप गया है, उसे भी ठीक कर देगा वो। आओ एक बात कहें, हम यात्री हैं, यहाँ यात्री हैं, हमारी यात्रा जप के माध्यम से ही इस ऑर्बिट से बाहर छलांग लगा सकते हैं। इस ब्रह्मांड से बाहर छलांग लगाने के लिए, वो जो एनर्जी बूस्टअप करने के लिए, वो जो एक बड़ी ऊर्जा चाहिए, एक जो बड़ा बल चाहिए, एक जो बड़ी फोर्स चाहिए, एक बड़ी स्पिरिट चाहिए, वो कहां से लाएंगे? वो जप से ही आएगी, और नहीं आ सकते कहीं से नहीं आएगी। तो जप की इतनी संख्या, जप का इतना बल, जप की इतनी ऊर्जा आपके पास हो, आप क्या एक रॉकेट की तरह से हैं। यहां हम सब इंडिविजुअली एक पूरे, हम यहाँ रॉकेट की तरह से हैं, एक पूरी छोटी मोटी एक शटल है हम यहाँ, और यहीं कहीं घूमते रहते हैं, यहीं की यहीं, यहाँ अच्छा लग रहा है, ये अच्छा, वो बेकार है, ये ठीक है, वो बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा, ये मिल जाए, वो मिल जाए। तो ये सारी वासनाएं आशा पाशतेर बद्धा, गीता कहती है जो 100 आशाओं के पास हैं उनमें ही हम बंधे रहते हैं, और कुछ बंधन के लिए कर्म भी करते रहते हैं। ये अच्छा है, ऐसा कर्म कर लें, ये ऐसा कर्मानुबंधी नहीं मनुष्य लोग के। तो गीता कहती है कि हम ऐसे बंधे रहते हैं, यहाँ यहीं की यहीं बार बार आएंगे, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, बार बार यहीं जन्म मरण लेकर अपनी वासनाओं और कामनाओं के अधीन वैसे देह लेकर, और यहाँ बार बार आएंगे, यहीं जानेंगे, जन्मेंगे, यहीं मरेंगे। कभी किसी का बेटा बन गए, कोई हमारा फिर बेटा बन गया, और घटना तो सच्ची सी भी है लेकिन कई बार नहीं समझ में आएगी आपको। तो हमारे यहाँ की घटना है जूनाखाड़े की। तो एक बार किसी एक साधु ने अपने एक सन्यासी शिष्य से कहा कि चलो आपका सन्यास हो गया, बहुत अच्छा हो गया, हम गुरु शिष्य हो गए। तो चेले ने एक नई बात कह दी कि हो सकता है मैं ही आपका गुरु रहा हूं। ये सच्ची घटना है। उसने कहा हो सकता है मैं ही आपका गुरु रहा हूं कभी, और थोड़ा दिन पहले और कुछ दिन पहले ऐसे घूमते फिर रहे हैं। और वो ऐसा कई बार चेले, ये बड़े अजीब चेले होते हैं कई। तो उन्होंने कहा भैया जरा बैठ जा, इधर बैठ, क्या कह रहा है? बोले महाराज मैं ये कह रहा था कि मैं अभी आपका शिष्य हूं, और हो सकता है कि कभी आप मेरे शिष्य रहे हो। तो थोड़ा जगा हुआ सा व्यक्ति था, उसे बिठाया, उसे वार्ता हुई, और थोड़ी वार्ता लंबी चली, और वो बात कुछ ऐसे हो गई। और वो 2010 में जब कुंभ आया तो उनका सन्यास फिर मैंने किया, यहाँ इसी यज्ञ मंडपम में। और वो अड़के बैठ गए कि नहीं भाई ये ब्राह्मणों के द्वारा कुछ नहीं होगा, विरजा होम भी आचार्य कराएगा मेरा, तो मुझे आना पड़ गया उनके विरजा होम के लिए। वैसे तो विरजा होम आचार्य ही कराता है, पर उस समूह में संस्कार हो तो आचार्य कराता है, पर कई बार कोई एक आ जाए तो मैं ब्राह्मण से कहता हूं कि बाकी की विधियां मैं संपन्न कर दूंगा, आरंभिक थोड़ी सी ये आहुतियां आप डलवा दो। पर वो कहता है कि नहीं, अपने गुरुजी से कि अभी मेरे शिष्य रहे होंगे, हैं बंधे रहते हैं, कुछ ऐसी घटना थी, कुछ भेद देने लगा वो, इतना ही काफी आपको समझाने के लिए कि आप किसी के पुत्र हैं तो हो सकता है कि आप उसके पिता भी रहे हो। आपस में ये ऐसा चलता रहता है, निकलें कैसे यहां से? गीता कहती है खुद ही उद्धार करना होगा अपना, आपको और कोई नहीं करेगा, आपको अपना उद्धार खुद करना होगा। अगर ये भ्रमर है, भ्रमर है, सागर है, यहां से खुद ही पार जाना होगा। अगर ये भवाटवी है, ये भव सागर है, तो खुद ही पार करना होगा। और पहले से तय है, पढ़ लो, छपी हुई हैं सारी चीजें। तो कुछ लोग कहते हैं भाई हम बैतरणी पार नहीं करना चाहते, हम कुंभी पार्क में नहीं जाना चाहते, हम इस वाले 28 प्रकार के नर्क हैं, वो पहले ही है ना लिखे हुए हैं, देख लो भाई ये नर्क हैं आपके सामने आएंगे, ये नर्क आपको दिखेंगे, इनमें से जाना है, फिर बैतरणी पार करनी है। तो ये नर्क कब मिलते हैं? ऐसा करने से ऐसे नर्क मिलते हैं। तो फिर व्यक्ति डाइवर्ट होता है कि ये नहीं करेंगे, अच्छा ये नर्क मिलेगा हमको, ऐसा करने से ये नर्क मिलेगा। और मैं बहुत छोटा था तब वो करनी भरनी का कैलेंडर एक कभी कभी हमने देखा कि ऐसा करने से नरक में जाएंगे, फिर अग्नि में झुलसाए जाएंगे, खौलते हुए तेल में डाले जाएंगे, कि वो हाथ काट दिया जाएगा, ऐसे पाप कर्म करने से ये तो ऐसे ऐसे परिणाम आएंगे। तो कर्म का परिणाम अगर अनुभव हो तो फिर व्यक्ति कैसा होगा? और परिणाम में और ये आवश्यक है कि आप परिणाम जाने, कैसा क्या फल आने वाला है, क्या रिजल्ट आने वाला है। और इस पे तो बहुत अच्छी बात किसी ने कही कि कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो विजेता हैं उसको ऐसे समझिए कि जो विजेता है उसके पास ही, जो सफल हुआ है या जो विजेता है उसके पास में कारण नहीं होते, बहाने नहीं होते, उसके पास में बहुत कारण नहीं होते, बहुत विकल्प नहीं होते, बहुत बहाने नहीं होते कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो जिसके पास कम से कम बहानेबाजी है वो सफल हो सकता है। जिसके पास बहुत बहाने हैं समझ लेना इसकी जीत के अवसर कम हैं। बहाने लिए जो बहुत घूम रहे हैं, शिकायत लिए जो बहुत घूम रहे हैं, जो बहुत शिकायतों का पिटारा लेकर घूम रहे हैं, तो चुपके से डायरी निकालो और लिखो कि ये तरने वाला प्राणी नहीं है ना, दूर है तट से, ये ना काफी दूर है, बहुत बहाने लिए घूम रहा है, तो बहुत शिकायत लिए घूम रहा है, तो बहुत अपेक्षाएं लिए घूम रहा है, बहुत अपेक्षाएं लिए घूम रहे हैं आप, बहुत शिकायत लिए घूम रहे हैं, बहुत बहाने लिए घूम रहे हैं। तो एक कहीं बहुत अलग वाले पन्ने पे लिख दो कि बहुत दूर है अभी वो तट जहां से पार जाना है, बहुत दूर है। द्वेष मिटेगा ही तब जब आप जप करेंगे। ये फॉर्मूला दे रहा हूं मैं आपको। जप करने से एक फोर्स आएगी आप में, जप करने से आप में एक अलग प्रकार का बल आएगा, और धीरे धीरे द्वेष, राग, ग्लानि, खिन्नता, मलिनता, जो कुछ हेय दिखता है कि ये बुरा है, ये बेकार है, उसकी परतें आप में से हटेंगी, एक अपने को साफ सुथरा आप पाएंगे। जब तो आपको बिल्कुल ही अलग कर देता, आपको बिल्कुल पवित्र बना देता है। जब तो सूक्ष्म रूप में भगवान ही है। जब क्या है? मंत्र क्या है? भगवान की सूक्ष्म सत्ता है। इसे जप करने से धीरे 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 आप में पावनता आएगी, और वही पावनता धीरे से आपको अपने पास ले आएगी, और आप उससे जुड़ा हुआ अनुभव करेंगे। इसमें और भी साधन करते रहना, इसमें प्रार्थनाएं भी रहे, आपका सत्कर्म भी रहे। हाँ, ये सच है कि स्वाध्याय आपका जड़ न हो, वो सजीव हो, चैतन्य हो, स्वाध्याय में प्रमाद न हो। इस पुष्टि के लिए स्वाध्याय करते रहना। ये जो बात अभी कही गई है, ये पुष्ट कब होगी, ये कब इसको पुष्टि मिलेगी? जब स्वाध्याय होता रहेगा। इसलिए स्वाध्याय करते रहना। महापुरुषों के पास बैठकर बार बार वो इस विषय को और स्पष्ट कराते जाना, बार बार। तो महापुरुषों की संगति में ये विषय जितना और स्पष्ट होगा उतनी पुष्टि होगी, विषय का और अधिक प्रतिपादन होगा, वो फिर सिद्धांत एकदम स्पष्ट होगा और फिर आपका कोई भ्रम कोई मान्यता सब टूट जाएंगी और आपको जप में आपका निवेश हो जाएगा। निवेश शब्द मैंने इसलिए कहा कि अपने को कहीं और खर्च मत करो, जप में ही खर्च कीजिए। मतलब क्यों खर्च करें और जगह, अपने को कहीं और जगह अपने को खर्च मत कीजिए। निवेश इसलिए कहा है मैंने, निवेश से फिर और आगे का भी चरण है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो है आपकी, आप जो खुद अपने को खर्च कर रहे हैं, कुछ और सोचकर, कुछ और बोलकर, कुछ और देखकर, कुछ और करके, कुछ और प्रतिक्रियाएं देकर, जो कुछ भी आप में आप निवेश कर रहे हैं वो कहीं और निवेश न करें आप, कहीं और खर्च न हो आप, जप में, भगवत तत्व में, वहीं फिर आपकी सब चीजें भगवदीय होने लगेंगी। तो प्रेम थोड़ा सा पैदा कीजिए, वस्तुओं को थोड़ा आदर देना सीखो। भक्ति में एक चीज तो हमने देखी, भक्ति के द्वारा वस्तुओं को आदर देना आ जाता है। वस्तुएं थोड़ी महनीय लगने लगती हैं, वे सारी वस्तुएं आदरणीय लगने लगती हैं। वो फिर घास का तिनका हो, फल फूल हो, जल हो, या फिर आप भले वो श्वास क्यों नहीं ले रहे हैं, या फिर कोई आपके पास आ रहा है, तो सब वही है। कथा तो बहुत बार सुनी आपने ये, और इसके अलग अलग अर्थ भी लोगों ने लगाए, पर मेरा कुछ और अर्थ है इसमें। मतंग मुनि ने यह बात कही शबरी को कि तेरे द्वार पर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आ सकता। ये एक तत्व की बात है, बहुत अलग तरीके की बात है। जो मतंग मुनि ने, मतंग ऋषि ने जो ये बात कही शबरी को कि देख तेरे द्वार पर कोई दूजा नहीं आएगा, ये तय है, वही आएगा। और उसकी निष्ठा बन गई। गुरु के वचन, गुरु सदगुरु वचन वैद विश्वासा, जो गुरु के वचन हैं वो देखो, वो समझने चाहिए, वो कहाँ और क्या समझाना चाहते। तो बहुत थोड़े लोग हैं जो गुरु के वचन जिनको समझ आते हैं। कई बार गुरु में प्रभु बोल रहा होता है, गुरु में कई बार ईश्वर बोल रहा होता है। गुरु भारी तत्व को कहते हैं। गुरु एक माध्यम है, उसमें कई बार शास्त्र बोल रहा होता है। गुरु में कई बार वेद ध्वनि निकल रही होती है। गुरु में कई बार आपके लिए आदेश आ रहा होता है। गुरु में कई बार पूरा ईश्वर आपके साथ होता है। तो गुरु तो माध्यम है, गुरु से ईश्वर पूरा आपके निकट आकर कोई चुपके से कान में बात कहता है। इसलिए ये ध्यान रखना, संत वचन, गुरु वचन, वेद वचन, शास्त्र वचन, ग्रंथों के वचन, वो ऐसे वचन है जिसमें भगवान बोलते हैं। ग्रंथ में हमारे कितने गुरुद्वारों में लोग जब जाते हैं तो गुरुद्वारे में जाकर ग्रंथ में से क्या निकला, वही वाक है। वाक क्या निकला मेरे लिए, ईश्वर का वाक्य क्या है मेरे लिए। कितनी बड़ी निष्ठा है गुरुद्वारे में जाने वाले प्राणी की। धन्य है वो प्राणी, माथा ढककर, शीश को ढककर, और वहां गुरुद्वारे में गया, प्रणाम किया, और वो कहता है ग्रंथी से कि देखो मेरे लिए क्या आदेश है आज, और जो वाक निकला वो सही है। कितनी बड़ी निष्ठा है गुरुद्वारे में जाने वाले उस सिख की। सिख माने शिष्य की, सिख कहते हैं शिष्य को, सिख कहते हैं सीखने वाले को, जो सीखना चाहता है उस शिष्य को जो शीश देने को तैयार है। मैं तभी तो ये कुछ लोग निकले ना, मैं कौन लोग, आओ जरा कौन शीश देंगे, जरा कुछ मुझे शीश चाहिए, आओ कुछ शीश चाहिए मुझे। तो ये एक चाहिए, एक दूसरा चाहिए, फिर तीसरा, पांच चाहिए मुझे, पंच प्यारे। जो मेरी सीख मानने को तैयार हो, जो शीश देने को तैयार हो, जो पूरा मिटने को तैयार हो, फिर एक कम्युनिटी तैयार हो गई, वो सिख बन गए। सीख मानने को तैयार है गुरु की। गुरु मानियो ग्रंथ, ध्यान रखना मैं तो मिलूंगा नहीं आपको, देह रहेगी नहीं मेरी, तो इसमें से मैं मिल जाऊंगा आपको। और मैं क्या मिल जाऊंगा, ईश्वर का पता मिल जाएगा इसमें से आपको। जब कभी लगे कि ढूंढना है, परम सत्य को पाना है, इसे खोलना, इसमें जो वाक निकलेगा ईश्वर का वाक होगा। जब मैं जब गुरुद्वारे गया हूं, अब तो काफी दिनों से मुझे गुरुद्वारे जाने का अवसर नहीं मिला, पर हाँ ऐसा है कि वहां वाक तो निकलता है, वो तो कई लोग रामायण में से निकाल लेते हैं, रामशाला का प्रश्नावली में से कुछ लोग निकाल लेते हैं कि भाई राम जी हमारे लिए क्या कह रहे हैं। रामशाला का प्रश्नावली में प्रणाम करके थोड़ा भगवान का ध्यान करके, राम जी का, हनुमान जी का, गुरु का ध्यान करके थोड़ी देर के लिए धैर्य पूर्वक, हड़बड़ी में नहीं कि बस अभी तुरंत क्या निकलता है, थोड़ा सहज होकर बहुत विनम्रता के साथ रामशाला का प्रश्नावली में आंख बंद करके और धीरे से ऐसे अपनी तर्जनी को बहुत आदर पूर्वक उस किसी एक कोष्ठक में रखिए और फिर वो चौपाई को जोड़ते जाओ, आपके लिए उत्तर मिल जाएगा। फिर कुछ लोग कहते हैं ये वाला फिट नहीं है, दूसरी बार एक और करके देखते हैं। ध्यान रखना, जो फर्स्ट थॉट है वही थॉट है, जो पहला आया है वही आया है। बहुत अच्छी बात कही मतंग मुनि ने, तेरे पास दूसरा कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, राम आएंगे और कोई नहीं आएगा। 16 साल की उम्र में कोई ये बात सुनी उसने, बाद में बुढ़िया हो गई वो, जैसा कि रामायण में लिखा है कि बहुत बुढ़िया होगी, चल फिर नहीं पा रही है, लकुटी से चलती है, लकड़ी भी हिलती है खुद भी हिलती है, बहुत ज्यादा वो तो बहुत बूढ़ी हो गई। लेकिन उस बीच में एक बात रही कि पत्ता हिला हो, कुक्कट आया हो, मयूर आया हो, मरकट आया हो, कोई आया हो, अतिथि आया हो, किसी की आहट सुनी हो, राम आ गए। हर आहट पर उठकर बैठ जाते, हर आहट पर वो उतने ही स्वागत में तत्पर है, उतने ही आदर के साथ, उतने ही प्रेम के साथ। ये 2-3 शब्द बोलूं, अच्छे लगते हैं मुझे, जोश और जज्बे के साथ, उसी जुनून के साथ। अच्छे लगते हैं शब्द, ये कितने अच्छे शब्द हैं देखिए, उसी जोश के साथ, जुनून के साथ, वही जज्बा है उसमें, वही उत्साह, अरे वो उसमें वही प्रेम है। भगवान आ गए, गुरुजी ने कहा था ना तेरे द्वार पर और कोई नहीं आएगा, कोई दूसरा नहीं आएगा, कोई दूसरा तेरा फटक नहीं सकता। कितना गजब का वेदांत सिखा दिया गुरुजी ने, दूसरे से हटा दिया, द्वैत से हटा दिया, कोई सेकंड नहीं आएगा, कोई थर्ड नहीं आएगा, कोई चौथा पांचवा नहीं आएगा, एक आएगा बस, तेरे द्वार पर दूसरा कोई नहीं आ सकता। मैं कहकर जा रहा हूं, कोई दूसरा नहीं आएगा, एक ही आएगा, तेरे द्वार पर राम आएगा, ध्यान रखना। अब गुरुजी बड़े एक ऐसी बात कहकर उन्होंने सांस छोड़ दी, वो ये नहीं बता करके कब आएगा, वो ये नहीं कहकर गए, पर उनकी सांस उखड़ते उखड़ते जब वो लगभग समाधि ले रहे थे और उनकी अंतिम सांस थी, और वो जिस ढंग से समझा रहे थे, शबरी को लगा कि मरता हुआ मेरा गुरु, मेरे गुरु की उखड़ती सांसें, और जिस ढंग से उनकी आंखें गीली हैं, और जिस ढंग से मेरे गुरु में अनुराग है और मेरे उद्धार की उनमें बड़ी बलवती भावना है कि शबरी का कल्याण करने राम आएगा, मेरा गुरु जो कह रहा है वही सही है। अपने गुरु की बात को पक्का मान लिया उसने, क्योंकि गुरु की सांस उखड़ने लगी थी, वो अंतिम लगभग उनकी सांसें थी, और फिर तो गुरु का शरीर ही कहाँ रहा, फिर तो गुरु का शरीर ही छूट गया, तो वो लगभग शरीर उनका छूट रहा है, सांसें उखड़ रही हैं, और वो कितने ढंग से समझा रहे हैं शबरी को कि तेरे द्वार पर दूसरा कोई नहीं आएगा, वही एक आएगा, एक। तो उसकी आहट में वो जीती रही, वो भले ही मयूर की रही हो, कपोत कागा की रही हो, वो भले किसी अतिथि की, उस गली से कोई साधु महात्मा भी निकलते होंगे, और जब पत्ते पीले हो जाते होंगे तो वो भी उनकी आंगन में गिरते होंगे, और पंछी भी आते होंगे, हर आहट पर चौंक कर बैठती है उसी आदर के साथ। इस ढंग से घर कभी सजा कर देखो अपना, इस ढंग से कभी घर सजाइए अपना, इस ढंग से कभी पूजा घर सजाइए, इस ढंग से पूजा की पुस्तक, उतना आदर दो उस दिया बाती को, उस पात्र को। हमारी कई साधनाएं तो ऐसी है, उन्हें पात्र भी प्रणम में है, पात्र भी उसी का हिस्सा है, पात्र भी वही है, उतना ही आदर है पात्र का भी। और ज्यादा नहीं बताएंगे, कुछ तो ऐसा है कि उपासना का में पात्र की पूजा ज्यादा है, उपासना में लगता है कुछ पल, पात्र की पूजा में ज्यादा। जो पात्रा साधना है, क्योंकि साधना में भी कुछ इस तरीके की जो साधनाएं हैं, जो पात्रा साधना करते हैं लोग, आवरण आदि की जो उपासना में है, तो उनमें पात्रा साधन में पात्र की पूजा में बहुत देर लगती है। क्योंकि एक और बात है, पात्र के साथ आपको पात्र बनना है, जो पात्र है और आप दोनों एक पात्र बन रहे हैं। भगवान शंकराचार्य की एक जो उपासना पद्धति है, इसमें यह भी एक पात्र साधना में बात आई कि पात्र के साथ आपको पात्र बनना है और फिर उस तत्व को ग्रहण करना है। इसे थोड़ा सा कई बार एक दो पल की उपासना में जो मंत्र बोलना है उसकी जो तैयारी है वो ज्यादा है। पात्र साधना, फूल के साधना, वस्तुओं की साधना वो इतनी मोहनीय बने, वो परिवेश पवित्र बने। इसलिए ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था गतो विवा, हाथ में जल लेकर के ये पवित्र वस्तु मेरे हाथ में और सब चीजें पवित्र हो गई, अब मुझे उसके साथ जुड़ना है। मैंने एक बात आरंभ की कि कोई अलग तरीके का अस्तित्व आपका हो सकता है, अलग प्रकार का, कोई डीएनए को गुणसूत्र आपको अलग कर सकता है, पर आप दृष्टि से बिल्कुल आप एक हैं और मंत्र की सत्ता उस विराट विष्णु से आपको जोड़ सकती है या उस ईश्वर के साथ आपको जोड़ सकती है। बड़ी चीज है वो मंत्र, बड़ा साधन है। इसलिए चलते फिरते, खाते पीते, सोते, हर पल हर घड़ी, सुबह शाम, आठों याम आप पे मंत्र चले, वो ध्वनित हो, इतना जप लिया जाए कि वो अजपा हो जाए। अजपा वो आपकी वैखरी से मध्यमा और पश्चंती परा में चला जाए। मंत्र के तो चार चरण बताए, परा 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 अपरा अपरा परा, इतना तक। एक परा है, एक अपरा है, एक परा परा है, एक अपरा है। इस तरह के मंत्र के वो 4 डायमेंशंस, अलग अलग फिर उसकी डायमेंशंस, एक कोण नहीं, एक ही कोण के फिर अनेक उपकोण, तो कोई दूसरी चीज है ही नहीं। हर फिर अक्षर मंत्र है, हर चीज फिर मंत्र है, फिर दूसरा कुछ है ही नहीं। कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो भिन्न हो। मंत्र से तो हर चीज आपको अपने में दिखाई देने लगेगी, हर चीज के साथ अपने को जुड़ा हुआ अनुभव करोगे। और उसकी ताकत यहां तक थी कि कोई वो इतना बड़ा जापक, इतना व्यापक उसका दृष्टिकोण कि उसका ईश्वर चारों ओर है, उसका ईश्वर हर जगह है। और वो चलते चलते कहीं लेट गया तो कहीं पैर होंगे लेटे हुए प्राणी के, कहीं सर होगा। भाई देखिए, कुछ डायमेंशन, कुछ कोण तो ऐसे हैं जहां हम आदर करते हैं कुछ कोणों का। वास्तु एक बात कहती है कि ईशान कोण है, और भैया ये फिर पूरब हो गया, फिर ये कौन सा है जी, दक्षिण तो है नहीं, अरे भाई ये अग्नि कोण है, ये कौन सा है कौन है? ये जो है बिल्कुल सीधा मेरा हाथ जा रहा है कि ईशान कोण है, और ये कौन कौन सा है कि ये तो पूरब है, और फिर ये कौन सा है कि ये तो दक्षिण है, लेकिन थोड़ा और हाथ इधर लाइए, फिर ये क्या हो गया कि ये अग्नि कोण है। ऐसे वो कोई बात तो थी भाई, किसी एक कोने में किसी की निष्ठा है, किसी एक दिशा में किसी की निष्ठा है, तो उसका आदर करना चाहिए। पर वो कुछ लोग सिर फिरे आए और उन्होंने कहा कि भाई ये क्या कर रहा है, इधर की ओर पैर कर रखा है ना, इधर की ओर हमारा, तो ये भाई हमारा भगवान का घर है, इस ओर तो इधर पैर नहीं कर सकते आप, इधर की ओर पैर करके सो रहे हैं आप, इधर हमारे भगवान का घर है, इस दिशा में तो इस दिशा में हम लोग प्रणाम करते हैं, ये डायरेक्शन है हमारी प्रणाम करने वाली। तो उसने कहा भाई अब मैं फकीर हूँ, लेट गया हूँ और बहुत तंग न करो, थक आया हूँ मैं, सो जाने दो मुझे। तो लोगों ने कहा नहीं अब आप उठिए और दूसरी ओर पैर करिए, इधर पैर करके सो। तो फिर उस फकीर ने ये कह दिया, ऐसा करिए कि जिधर आपका भगवान का मंदिर ना हो उधर पैर कर दो मेरे, तो आप भाई जिधर आपके भगवान का मंदिर नहीं है वो मेरे पैर उधर ही कर देना। तो जिधर जिधर उसके पैर घुमाते गए वो उनका मंदिर उधर 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 खिसकता चला गया, और उसको हर डिग्री पे घुमा दिया गया होगा, उधर ही उधर उधर ही उधर। भैया वो काबा हो, वो काशी हो, वो कैलाश हो, परमात्मा सब जगह समान रूप से है। यही तो भगवान ने कही बात, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, वो सब में है, बराबर है, कहीं एक भी कोने में ज्यादा नहीं है, सब और है वो। तो उस फकीर के पैर घुमाते रहे, और क्या हुआ कि वो सारा चलता रहा, चक्की चलती रही अपने आप। कारागार में ऐसा होता है, पहले चक्की चलाई जाती थी, भाई जो कड़ी सजा देनी है तो चक्की पिसवाते थे उनसे। तो अपना डाल रहे हैं उसमें अन्न, और उसको एक बार हाथ लगा दिया, चक्की घूम रही है अपने आप। तो जेलर ने पूछा ये क्या है, तो बोले ये पत्थर पूजने का परिणाम है, ये पत्थर पूजने का परिणाम है कि हर पत्थर परमात्मा है मेरे लिए, हर पत्थर। कल्पना कर सकते हैं कैसे फकीर रहा? जिनके लिए हर चीज ही एक है, कोई दूसरी है ही नहीं, हर चीज एक है उनके लिए। किससे होता है ऐसा? ये नाम की निष्ठा है, और कोई निष्ठा नहीं। तो क्या ये हम भी कर सकते हैं? हाँ, हम सब कर सकते हैं। हम इसी बात के लिए पैदा हुए हैं, और कोई दूसरा कारण नहीं है। हम धरती पर मनुष्य बने इसलिए हैं कि हम योग्य बने इसलिए हैं कि हम उस तत्व को पहचान सके। इसलिए जप करिए और आप इस तत्व का अनुभव कीजिए। हर कोई अनुभव कर सकता है। बस बात यह है कि आपकी साधना अथवा आपका जो स्वाध्याय वो जड़ न हो, वो चैतन्य हो, वो व्यावहारिक बने, वो थोड़ा मुखर हो, वो थोड़ा सा साकार बने, फलदायी हो। परिणाम की चिंता करते हुए कर्म करने वाले आप प्राणी बने। परिणाम क्या आएगा, परिणाम पर विचार आपका हो, तब आप कुछ करें। तो फिर रिजल्ट कुछ और आएंगे, फिर परिणाम कुछ और आएंगे, अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो बढ़िया परिणाम लेने के लिए सोचें, और स्वाध्याय आपका जड़ न हो। इसलिए महापुरुषों के सानिध्य में बैठकर अपनी निष्ठा बनाइए, सैद्धांतिक निष्ठा बनाइए, और वो सिद्धांत ही आपका कल्याण कर देगा। सैद्धांतिक निष्ठा का अर्थ है कि कोई एक सिद्धांत के आधार पर अपना साधन कीजिए।